बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आज हम कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको आप व्यावसायिक संचार भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर है संप्रेषण का। सबसे पहले हम जानेंगे संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, उसके साथ साथ उनकी परिभाषाएँ, कितने सारे अर्थशास्त्री ने उनकी परिभाषा दी है, विशेषता क्या है, क्या इसके लाभ होते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यूनिट 1 से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और साथ ही साथ जो बच्चे सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, उनसे इस चैप्टर से MCQ के क्वेश्चन, छोटे छोटे अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी अपना अपना पुस्तक या अजयमाला निकाल के रखिए, या फिर ध्यान से मेरे बताए गए शब्दों को सुनिए। चलिए, तो हम समझते हैं संप्रेषण क्या होता है। देखिए, आज के आधुनिक युग में व्यापार अथवा उपक्रम की सफलता न केवल संप्रेषण पर निर्भर है, बल्कि प्रभावी संप्रेषण होना आवश्यक है। संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा व्यवहार को क्रियान्वित किया जाता है और परिवर्तनों को लागू किया जाता है, सूचनाओं को उत्पादक बनाया जाता है एवं व्यवसायिक के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। संप्रेषण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, और आधुनिक संचार क्रांति के युग में समस्त व्यावसायिक उपक्रमों की सफलता काफ़ी सीमा तक प्रभावी संप्रेषण पर ही निर्भर करता है। तो इस लाइन से आपने ये समझा होगा कि संप्रेषण में होता क्या है। अब चालू शब्दों में अगर हम समझें तो संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, अपनी किसी जानकारी को दूसरे तक समझा पहुँचाना, ये संप्रेषण कहलाता है। तो आज के आधुनिक युग में हमारे पास संप्रेषण के बहुत सारे साधन हैं। एक समय था जब पत्रों के माध्यम से संप्रेषण होता था, आज हमारे पास फ़ोन और सोशल मीडिया ऐप्स, इंस्टा, टेली, व्हाट्सएप, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ईमेल है, जहाँ पर हम कुछ ही सेकंड में अपने बहुत सारी सूचनाओं का आदान प्रदान कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। ये उदाहरण है जो आप एक सटीक परिभाषा देने के बाद नीचे लिख सकते हैं कि संप्रेषण का उदाहरण ये है बोल करके। इससे जो क्वेश्चन का आंसर आप आधे पेज में लिखने वाले थे, हो सकता है वो एक पेज में भी लिखा जाए, और कम से कम आपको 5 से 6 पेज भरना है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। अब उन प्रोफेसरों का परिभाषा पढ़ेंगे जिन्होंने इनको प्रतिपादन किया है, इनके बारे में एक सटीक परिभाषा दी है। तो सबसे पहली परिभाषा पढ़ने वाले हैं लुईस एन एलन का। इन्होंने कहा है, संदेशवान उन सब क्रियाओं का योग है जिनको एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचाने के लिए अथवा उसे समझाने के लिए अपनाता है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने, समझने की व्यवस्था एवं निरंतर क्रियाओं का समावेश होता है। तो इन्होंने अपने परिभाषा के माध्यम से ये बताया है कि संदेश वाहन उन सब क्रियाओं का योग है जो एक व्यक्ति अपनी विचारधाराओं को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए उन सभी प्रयत्नों को प्रयोग करता है। जैसे कि किसी चीज़ को खुद समझना, उसके नोट्स बनाना, उसके पॉइंट टू पॉइंट कहने की एक प्रायिकता करना और फिर किसी को समझाना, यह है संप्रेषण। आगे दूसरा जो है वो डॉक्टर SN गोशल का है। इन्होंने लिखा है, संदेश वाहन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं को एक दूसरे से आवागमन करता है। तीसरा है चार्ल्स रेडफील्ड का। इन्होंने लिखा है, संदेश वाहन सियासत है उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान होता है। इस तरह से लगभग 6 परिभाषा और हैं, तो लेकिन आपको कोई 3 भी अगर आप लिख के इसको आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। अधिकतर कम से कम 2 और अधिकतर आप 4 या 6 लिख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या है। वैसे 4 बिंदु में विशेषता बताई गई है, 4 नहीं 5 है। पहला विशेषता है, संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा, संप्रेषण अर्थ संप्रेषित करने का माध्यम है। और तीसरा है, संप्रेषण द्विमार्गीय प्रक्रिया है। और चौथा, संप्रेषण एक प्रबंधकीय कार्य है। और पांचवा, संप्रेषण माध्यम के विभिन्न प्रकार हैं। मान लेते हैं अगर यूनिट 1 से ये क्वेश्चन आया कि संप्रेषण क्या है, इसके विशेषता, प्रकृति या महत्व को समझाइए, तो सबसे पहला काम आपका होता है उसका डेफिनेशन देना, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट में पढ़ा वो प्रस्तावना था, फिर जो मैंने आपको उदाहरण बताया वो एक उसका आशय के रूप में आप लिख सकते हैं उदाहरण बोल करके। फिर आपको उसकी परिभाषा लिखनी होती है जो लेखक दिए जाते हैं। इनके बाद फिर आप विशेषताओं के पॉइंट लिखेंगे कि निम्न विशेषता है, और ये जो 5 पॉइंट पढ़ा उनको पहले लिखेंगे लाइन से, 1 2 3 4 5। फिर एक एक पॉइंट के आपको डिटेल से उसकी थ्योरी लिखनी होती है। तो एक क्रम को भी याद रखिए और सुनिए अगला।
संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया उनको कहते हैं जो लगातार या निरंतर चलते हैं। जो काम एक बार स्टार्ट करके ख़त्म हो जाए उन्हें हम सतत प्रक्रिया नहीं कहते। तो संप्रेषण लगातार होने वाली प्रक्रिया है। आज मैंने किसी सूचना को किसी को अपने अपने संबंधित व्यापारी को दिया, तो कल मुझे फिर से कोई सूचना मिलेगी तो मैं उसे दूंगा, वो मुझे अपनी सूचना बताएगा, अपने ऑफर देगा। तो ये जो सूचनाएं हैं वो लगातार चलते रहती है, इसलिए संप्रेषण को एक सतत प्रक्रिया कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, अपने मन से आप कोई उदाहरण भी लिख सकते हैं। दूसरा, संप्रेषण अर्थ प्रेषित करने का माध्यम है। तो अर्थ प्रेषित करने का माध्यम इसमें चार बिंदु बताई गई है, एक विचार, एक संदेश प्राप्ति और एक विचार। देखिए, आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए सामने वाले को देने के लिए, ठीक है? तो एक आइडिया होना चाहिए, सबसे पहला बिंदु। दूसरा, एक व्यक्ति भी होना चाहिए जिसको आप कुछ बातें बताने वाले हैं या कुछ संदेश देने वाले हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि आपके पास एक आइडिया हो, ठीक है? उस आइडिया में कोई ना कोई एक संदेश हो, उद्देश्य हो, फिर उस संदेश को प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता हो, और फिर से एक विचार हो जो उसके द्वारा भी दिया जाए। तो सुनने इसमें बोला गया है, संप्रेषण का आशय सूचनाओं एवं संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए भी यह आवश्यक है कि सूचनाओं अथवा संदेशों प्राप्तकर्ता उसे भी उसी भाव से समझे जिस भाव से आप उसको समझाना चाहते हैं, ठीक है? कई बार होता है हम किसी को कुछ बातें बताते हैं लेकिन सुनने वाला उसको अलग ही वे में समझता है। जब वो रिएक्ट करेगा तो पता चलता है कि मैं बता क्या रहा हूँ, उसने समझा क्या है। तो यहाँ पर संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि जिस भाव से मैं अपनी बात को समझा हूँ और मैं सामने वाले को बता रहा हूँ तो वो भी उसी भाव से समझे जिस भाव से आपने समझा था। आप कह रहे हैं कुछ और, वो समझ रहे हैं कुछ और, तो ये संप्रेषण नहीं होगा। तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट है द्विमार्गी प्रक्रिया। संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया है। संप्रेषण में दो व्यक्तियों अथवा समूहों के मध्य संदेश का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता संदेश भेजने वाले के सही अर्थ भाव को समझता है एवं अपनी प्रतिपुष्टि अथवा प्रतिक्रिया संदेश प्रेषक को प्रदान करता है। अतः इस संप्रेषण मूलतः द्विमार्गी प्रक्रिया है। तो देखिए, द्विमार्गी प्रक्रिया में ये बताया जा रहा है, एक व्यक्ति जो संप्रेषण को सुनाता है या किसी को भेजता है तो वो पढ़ने वाला व्यक्ति उसको पढ़ता है और उसके प्रति कुछ ना कुछ फीडबैक देता है। तो इसलिए इसको दोहरी प्रक्रिया कही गई है। एक संदेश देने वाला होगा, एक संदेश प्राप्त करने वाला होगा, और उस संदेश के प्रति कुछ ना कुछ उसकी पुष्टि आनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसके प्रति उत्तर में हमें फीडबैक मिलना चाहिए। अगर मैं आपको ये ऑडियो लेक्चर सुना रहा हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि आपसे कुछ फीडबैक मिले, वीडियो पर एक लाइक मिले या एक प्यारा सा कमेंट मिले। ये होता है द्विमार्गी प्रक्रिया। चौथा पॉइंट, संप्रेषण प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय कार्य, अब देखिए प्रबंधक कौन होते हैं? जो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाते हैं या जिनको मैनेजर की तरह प्रयुक्त कर दिया जाता है। तो जब एक व्यक्ति के ऊपर पूरा दायित्व होता है कि कंपनी को उसको किस तरह से चलाना है, तो उनके लिए भी सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ज़रूरी होता है। चौथे बिंदु पर हम चर्चा करने वाले थे, संप्रेषण एक प्रबंधकीय कार्य है। तो प्रबंधकीय कार्य में आपको मैंने बताया था कि जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, ये भी बहुत सारे प्रबंधकों या मैनेजरों से परिचित होते हैं या अपने जैसे व्यवसाय करने वाले से परिचित होते हैं और एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते हैं कि नया स्टॉक क्या आया, नया माल क्या आया, बिक्री कितनी हुई, कैसा रहा इत्यादि। तो प्रबंधकीय कार्य में संप्रेषण चलते रहता है और एक प्रभावी संप्रेषण होना बहुत ज़रूरी है। ये इनका चौथा पॉइंट है। पाँचवा है, संप्रेषण माध्यम के विभिन्न प्रकार। देखिए, संप्रेषण के आज बहुत प्रकार हैं। उस समय के रूप में आप टेलीफैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखते हैं। आज बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने आपको जो बताया था, इंस्टा, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग और इत्यादि अनगिनत जो इनके माध्यम है संप्रेषण के। एक तो डायरेक्ट बात कर लेना और माध्यम में पूछा जाए तो पत्र और ईमेल, बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट की दुनिया में। ये पांच इनकी विशेषताएं थी जो हमने पढ़ लिया। अब इनके महत्व या लाभ क्या होते हैं उन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये मुख्य पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं, आपको डिटेल से पढ़नी चाहिए, पर एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो महत्व में सबसे पहला पॉइंट है व्यावसायिक क्रियाओं का सफल संचालन। दूसरा पॉइंट है संगठन के समन्वय में सहायता। तीसरा पॉइंट है निर्देशन एवं नियंत्रण का आधार। चौथा पॉइंट है अभिप्रेरणा व मनोबल में वृद्धि। और पांचवा है बाह्य जगत से श्रेष्ठ संपर्क। और छठवा है सामूहिक नेतृत्व में सहायक।
अब इसके पहले पॉइंट पे मैं चर्चा करता हूँ, व्यवसायिक क्रियाओं का सफल संचालन। देखिए, व्यवसाय की समस्त क्रियाओं का अगर सफल संचालन करना है तो संप्रेषण होना बहुत आवश्यक है। संप्रेषण केवल एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी से ही नहीं होता, प्रबंधक का अपने अधीनस्थ कर्मचारी के साथ होता है। हर एक व्यक्ति जो किसी उपक्रम में संस्था की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहे बड़े मैनेजर हो, चाहे उनके नीचे उप मैनेजर हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, हर व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ संप्रेषण होना बहुत आवश्यक है। इसमें अगर कर्मचारी को लगता है कि इस काम में ये परिवर्तन होना चाहिए या इन यंत्रों की आवश्यकता है या इससे काम और बेहतर से हो सकता है, और मैनेजर उसको उतने ही शीतलता के साथ सुनता है जितना वो अपने बड़े मैनेजर के पास सुनता है, तो इससे क्या होगा, व्यापार सुचारू रूप से चलेगा। सूचनाओं का आदान प्रदान करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए व्यावसायिक क्रियाओं के सफल संचालन के लिए संप्रेषण बहुत आवश्यक है। अगला है संप्रेषण के समन्वय में सहायता। अच्छा, संगठन के समन्वय में सहायता। देखिए, संगठन वही टीम होती है जो छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े कर्मचारी होते हैं, जिन सबके काम करने से फर्म की सफलता निर्भर होती है। तो इन सभी के बीच में एक सफल और उचित समन्वय होना जरूरी है, क्योंकि कर्मचारियों के बीच में जितना अच्छा तालमेल रहेगा, एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, वे अपनी हर एक समस्या को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव रहा तो वहाँ पर व्यापार सुचारू रूप से चल नहीं सकता, इसलिए संदेश वाहन का होना बहुत आवश्यक है संगठन के बीच में। ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है नियंत्रण, निर्देशन एवं नियंत्रण का आधार। तो संप्रेषण के माध्यम से नियंत्रण और निर्देशन भी हो जाता है। तो व्यावसायिक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को विभिन्न स्तरों पर निरंतर क्रियाशील करने के लिए प्रभावी संप्रेषण होना अति आवश्यक है। संगठन के मध्य संप्रेषण द्वारा ही कर्मचारियों को सही समय पर सही निर्देशन प्रदान किए जा सकते हैं। संप्रेषण द्वारा कार्य संबंधी आदेश निर्देश के साथ साथ उनकी व्यवहारिक कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है। तो वही पॉइंट है जो मैंने आपको इससे पहले पॉइंट में समझाया था, वही इसमें भी आपको समझाना है। चौथा पॉइंट है अभिप्रेरणा और मनोबल में वृद्धि। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई कर्मचारी जानबूझकर के समस्त सुविधा मिलने के बाद भी गैर तरीके से काम कर रहा है या आलसी तरीके से काम वो नहीं कर पा रहा है, टारगेट वो नहीं पूरा कर पा रहा है जो उसको मिलता है, ठीक है, उसके कोई खास रीज़न नहीं है, बस वो आलसी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आपके फर्म में ऋणात्मक अभिप्रेरणा का प्रावधान होना चाहिए, जहाँ पर आप उसको ये बोल सकते हैं कि अगर आपने इस टारगेट को इतने दिन में पूरा नहीं किया तो आपकी सैलरी से 10,000 रुपये काट लिया जाएगा या 20% काट लिया जाएगा। इन सभी के कारण कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी उस काम को और अच्छे ढंग से करने की प्रयत्न करेगा। साथ ही साथ जो बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत छोटे पद में है, आपको लग रहा है उसकी प्रतिभा है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, तो उनको पदोन्नति के अवसर दीजिए ताकि वो और बेहतर तरीके से काम करें। तो ये है कि संप्रेषण करने से मनोबल में वृद्धि हो जाती है। तो ये सब आप कर्मचारियों के साथ साझा कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को कि भाई कंपनी का ये टारगेट है, आपके लिए ये सुविधा है, अगर आप इतने इतने टारगेट को अचीव करते जाएंगे इतने इतने समय में तो आपको बहुत सारी सुविधा कंपनी के द्वारा मिलती जाएगी। तो इससे क्या होता है, कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है और काम करने के लिए एकाग्रित रहता है और रोज़ काम पे आता है। तो पाँचवा पॉइंट है बाह्य जगत से श्रेष्ठ संपर्क। संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण आज हम विश्व व्यापार कर रहे हैं। आज मैं अपनी सूचना किसी को देना चाहता हूँ तो मैं किसी को सामने बैठा के दे सकता हूँ, मैं पूरे भारत में देना चाहूँगा तो मैं एक रेडियो में अनाउंसमेंट करवा सकता हूँ या एक एडवर्टाइजमेंट करवा सकता हूँ, मैं विदेशों से बात करना चाहूँगा तो ईमेल, फैक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत सारे फेसबुक, इतने सारे ऑप्शन हैं। तो पूरी दुनिया से हम संप्रेषण कर सकते हैं जिसके बहुत सारे माध्यम हैं, ठीक है। छठा पॉइंट है सामूहिक नेतृत्व में सहायक। तो समूह के बीच में जब संप्रेषण होता रहेगा तो सामूहिक नेतृत्व होगा, आदेश होगा, निर्देशन होगा और समस्याओं का समाधान होगा। ये रहे वो 6 पॉइंट जिस पर आपको डिटेल से पढ़ना है ताकि आप अपने बेहतर तरीके से अपने अनुभव से लिख सकें। इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको बुक एक बार पढ़ लेना है और लिख करके ज़रूर देखना है। देखिए कि लिखने से आप 4 पेज भर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप 4 पेज भर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एग्ज़ाम में पूरे 15 नंबर पाने के लिए रेडी हैं।
एटलीस्ट अगर कुछ कारण से नंबर कटता भी है तो आपका 12 नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट टू चाहिए तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बाय बाय बच्चों।